खूंटी जिले में चलती यात्री बस में एक व्यक्ति की अचानक तबीयत खराब हुई। बगल के एक ने उसकी मदद की और स्थानीय लोगों की मदद से बीमार व्यक्ति को सदर अस्पताल लाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पूर्व ही यात्री की मौत हो गई। सदर अस्पताल के डॉक्टर ने बताया कि खूंटी बस स्टैंड से 11:10 में अस्पताल लाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पूर्व ही यात्री की जान चली गई थी। मृतक का नाम मदी बुरहमान है एवं उसकी उम्र 57 वर्ष बताई गई है। मृतक सिमडेगा जिले के ठिठई टांगर अंचल का राजस्व कर्मचारी था। मृतक मदी बुरहमान खरसावा जिले के चांडल कपाली का निवासी था। घटना की जानकारी होने पर मृतक की पत्नी और अन्य परिजन समेत ठिठई टांगर के सहकर्मी भी खूंटी सदर अस्पताल पहुंचे थे। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया था। अस्पताल पहुंचने वाले मददगार ने बताया कि ठिठई टांगर से रांची जाने के क्रम में अचानक मदी बुरहमान की तबीयत बिगड़ी। उसे चक्कर जैसा लगा तो उसने स्वयं ही बस से उतरना चाहा और अस्पताल जाने की इच्छा प्रकट की। सुबह हम नमाज पढ़ के आए तो चौक में बैठे हुए थे बस पकड़ने के लिए, ये चले हैं लगभग वहाँ से 6:30 में और हम जो है वहाँ से निकले हैं 9 बजे। हम मोर्ज में हम टिकट रिजर्वेशन था मेरा, मगर स्टाफ था लोग यही लोग लोकल लोग जो है वो कहीं से खून मिल गया मेरा, तो ये लोग हमको बताया जो है, तो फिर हम उतर के यहाँ आए। जब तक डॉक्टर साहब से मिले हम अभी आके कि हम भी स्टाफ हैं, हॉस्पिटल स्टाफ हैं, हम सर से मिले सब बताए तो कहीं कि यहाँ आए तो खत्म थे। एवरी वेलकम, यू हैव नेवर नोन, वेलकम टू अ जर्नी यू हैव नेवर इमेजिनड, वेलकम टू अरेबिया सऊदी। दो गड्ढों वाले शौचालय के बारे में सुना है? हाँ? नहीं सुना, आइए समझाते हैं। देखिए, दो गड्ढा बनाइए, पहले वाला जब मल से भर जाएगा ना तो ये चालू हो जाएगा और साल भर के अंदर इसके अंदर जो मल है ये खाद बन जाएगा, इसे खाली कर दीजिए। इसी तरह शौचालय जो है वो आजीवन चलता रहे, न बीमारी फैलेगी न बदबू। और पैसे? अरे वो सेप्टिक टैंक से कई गुना सस्ता। हाँ, क्या समझे, शौचालय दो गड्ढों वाला ही बनवा।